टू माय यूट्यूब चैनल पी एस रतन देवते। सो गाइस, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक नया वीडियो, जिसमें कि कुमकुम मिलवाल जी ने, जो कि देश में बीजेपी का सरकार में कैसे मंत्रियों को टिकट दी रखी है, उनके बारे में जो बताया है वो देखते हैं कि क्या हो क्या गया है देश को। जो मोदी जी की सरकार में महिलाएं कोई भी अपना कह सकते हैं कि सुरक्षित नहीं है, तो इनके मंत्री नहीं है, एक ने इनके ही मंत्री है जो उन्होंने अपने 3000 वीडियो बना के रखे हुए हैं। सो आओ पहले गाइस वीडियो देखते हैं। दोस्तों, प्रज्वल रेवन्ना जिस पर आरोप है कि इस आदमी ने सालों तक अपनी घर की मेड से लेकर पार्टी की नेत्रियों से लेकर करीब 3000 लड़कियों महिलाओं के साथ ना केवल शारीरिक शोषण किया बल्कि उनकी वीडियो बनाकर अपने पेन ड्राइव में अपने पास रखी, ये आदमी विदेश में क्या गुल खिला रहा है और विदेश से कैसे भारत के पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। साथ में ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी और देश की सरकार पर भी एक सवाल खड़े करती है कि आखिर हमारी सरकार कर क्या रही है। दोस्तों, प्रज्वल रेवन्ना जो कि जिनको अब जेडीएस अपनी पार्टी से निकाल चुकी है, इनके लिए प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले वोट मांगे थे, पता है ना आपको। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है, जेडीएस के शीर्ष नेतृत्व यानी कि एचडी देवेगौड़ा के ये महाशय पोते हैं जिनके साथ पीएम मोदी की फोटो भी है और इन पर आरोप है कि इन्होंने करीब करीब 2500 से ज्यादा, करीब करीब 3000 आप कह सकते हैं, 3000 से थोड़ा कम, इन महिलाओं के सालों तक ना केवल उनके साथ शारीरिक शोषण किया बल्कि पेन ड्राइव बना के वीडियोस अपने पास रखी, कुछ वीडियोस वायरल भी कर दी। और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अब जब ये मामला सामने आया, एसआईटी का गठन हुआ, तब ये भाई साहब अपने इलाके का चुनाव निपटा के, अपनी सीट का चुनाव निपटाकर विदेश भाग गए। अब इस पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट तब आया है जब प्रज्वल रेवन्ना ने विदेश से, जी हाँ दोस्तों, विदेश से ट्वीट करके बताया है कि अभी वो देश में नहीं है, बैंगलोर से बाहर हैं, तो उनके वकील सीआईडी से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद देखा जाएगा। मतलब बेसिकली प्रज्वल रेवन्ना ने 7 दिन की मोहलत मांगी है, 7 दिन की मोहलत मांग रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना विदेश में बैठकर हमारे सिस्टम से। और ये बकायदा ट्वीट करके प्रज्वल साहब ने खुद अपने सोशल मीडिया में शेयर किया, मतलब कमाल की बात है दोस्तों। इस पूरे के पूरे मामले में बीजेपी सवालों के घेरे में है क्योंकि जब सवाल इस पूरे मामले में अमित शाह से पूछा गया था तो अमित शाह ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए श्री इस्तेमाल किया था, श्री प्रज्वल रेवन्ना, इतना सम्मान प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया था। इसके अलावा लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि इतना घिनौना अपराधी जिसको लेकर खुद बीजेपी के एक नेता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दिसंबर में ही चिट्ठी लिख दी थी और बता दिया था कि इस आदमी की पेन ड्राइव के पूरी कारगुजारियों के बारे में, पेन ड्राइव के बारे में, उसके बावजूद भी बीजेपी ने जानते समझते ना केवल इसके साथ गठबंधन किया बल्कि पीएम मोदी ने अभी हार्डली 15 दिन पहले इस आदमी के लिए वोट मांगे हैं और अब ये आदमी विदेश भागकर वहां से हमको ज्ञान बगार रहा है कि अभी तो मैं विदेश में हूं, 7 दिन की मोहलत दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। मतलब कमाल की बात है दोस्तों। वहीं इस पूरे के पूरे मुद्दे में दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री को खत लिख दिया है ये कहते हुए कि इस आदमी का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द किया जाए और जल्द से जल्द इसको वापस भारत बुलाया जाए। जिस आदमी को भारत लाने के लिए भारत सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि वो जल्दी भारत आए, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि ये भारत से भागा कैसे, ये जर्मनी में है कि इटली में कि फ्रांस में, किसी को कुछ नहीं पता है। सोचिए, वो आदमी भारत से बाहर जाकर हमारे सिस्टम को धता बताते हुए क्या कह रहा है, अभी तो मैं बैंगलोर से बाहर हूं, मेरा वकील बात कर रहा है, 7 दिन की मोहलत दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों, अब बीजेपी के पास दो विकल्प है, या तो वो जवाब दे कि प्रधानमंत्री ने सब कुछ जानते समझते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने ऐसे आदमी के लिए वोट मांगे, ऐसे आदमी की पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन क्यों किया। दो, प्रधानमंत्री मान लें कि उन्हें कुछ पता नहीं था, ना प्रज्वल रेवन्ना के साथ जब वो स्टेट शेयर कर रहे थे तो पता था कि वो इस तरह का आदमी है, उस पर इस तरह के आरोप हैं, या उनकी पार्टी को लेकर जो शिकायतें थी ऐसी कोई जानकारी थी, और ना ही प्रधानमंत्री को पता था कि ये आदमी विदेश भाग जाएगा। दोनों ही सूरतों में प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े होते हैं, ए, सब कुछ जानते समझते पीएम मोदी ने ये सब कुछ किया, दो, पीएम मोदी को अगर कुछ भी नहीं पता तो पीएम या फिर बीजेपी में कैसे कहा जाता है कि मोदी जी के इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलता है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं। सो गाइस, हम यहाँ कुमकुम निवाल जी की
वीडियो बहुत बढ़िया लगी। उन्होंने पूरा सर्च करके क्या था वो क्या नहीं था, कैसे उनको मोदी जी को पहले से पता था कि हाँ ये आदमी एक करप्टेड आदमी है, फिर भी मोदी जी की वॉशिंग मशीन में जो चला जाए वो तो धुल के बाहर ही आ जाता है ना, वो क्लीन चिट मिल जाती है उसको। तो कैसे विदेश भाग गया, जर्मनी है, फ्रांस है, कहाँ नहीं है तो पता ही नहीं लग रहा उसका कहाँ चला गया है। तो इन लोगों को ऐसे जैसे को वोट दे रहे हैं, मोदी जी टिकट दे रहे हैं, तो हम लोग इन जैसे को वोट भी दे रहे हैं। सो गाइज आप ऐसे बोलना चाहते हैं कि ये वोट है आपका अधिकार है, आप इसको सही सही आदमी को दो जो कि इस देश की तरक्की में अपना पूरा बलिदान दे, तरक्की में योगदान दे, कि हमको इस देश को लेके जाना है नंबर वन पे। हमारी टक्कर ये पाकिस्तान से नहीं है, हमारी टक्कर है सीधी अमेरिका से। सो गाइस हम आप सभी को यही बता बोलना चाहेंगे कि वोट जरूर करें, वोट पे बहुत दम है। तो इसलिए सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय।